हरि ओम नमः शिवाय। राजकुमारी सुंदरा देवी के द्वार पर इस संत का आना हुआ है, क्योंकि गुरु का आदेश है कि राजकुमारी सुंदरा देवी के हाथ से भिक्षा लेकर के जाऊं। तो राजकुमारी जी, आप भी भिक्षा लेकर के आई हो, आप मुझे भिक्षा घाल दो। भिक्षा चाहिए आपको जी? क्या चाहिए भिक्षा में? भिक्षा में दो मुट्ठी चून मिल जाए वही बहुत है हमारे लिए। चून का क्या करोगे? इसी से भोजन कर लेते हैं जो भिक्षा में मिलता है, और कुछ नहीं चाहिए हमें भिक्षा, केवल चून जो चाहिए, आटा। आटा? हाँ, उस आटे से हम अपना जो भोजन बनाएंगे, गुरु को जिमाएंगे और फिर अपने आप अपना भी पेट भरेंगे। मतलब कि गुरु को भी इससे जिमाओगे? हाँ। आटा कैसा चाहिए, मक्के का या चावल का या चने का? जैसा भी मिल जाए वैसा दे दो। हमारे आटा है नहीं, पिसने जा रहा है। चाचा न्यू कह रहा हूँ, बाजरे को दे दो, जैसा अपना रंग है। बाजरा ना जी, राइस पे। लेकिन राजकुमारी जी, भिक्षा घाल दो आप मुझे। भिक्षा चाहिए आपको? बिल्कुल। दो मुट्ठी चून की? हाँ। इसके सिवा कुछ और मिल जाए तो? और कोई 10-5 रुपया हो वो दे दो। अच्छा, इसके सिवा और कुछ मिल जाए तो? और कुछ हो तो कोई अपने पीले वस्त्र दे दो, जो मेरे वस्त्र। हाँ, आपके राज में पीले वस्त्र हो। अच्छा, वो ला दो। और कुछ मिल जाए तो? काले वस्त्र हो वो ला दो। और कुछ? और कुछ अगरबत्ती धूप बत्ती के लिए, ज्योत बत्ती का जो भी सौदा सामान हो वो ला दो। इनके सिवा कुछ और मिल जाए तो? और की हमें चाहत नहीं है, पर और पे ज्यादा आप और ही और कर रही है तो और पे भी गौर करेंगे। वो क्या चीज है? ज्योत बत्ती के लिए कोई घी पाता हो वो भी दे दो। हाँ, वो भी बोल दिया। अगर तुम्हें भिक्षा में हाँ इन चीजों को छोड़कर और ऐसी क्या चीज है जो इससे अलग, इन चीजों से अलग हमारी भिक्षा में हमको मिल सकती है? अगर आपको भिक्षा में मेरे जैसी सुंदर सी बहू मिल जाए तो? भिक्षा में और बहू? बहू किसी को मिली है जी भिक्षा में? बहू तुझे मिल रही है, तेरे लिए ऑफर है। नहीं, हम तो गृहस्थ से बहुत दूर हैं। ऑफर भी दिवाली तक होता है, लेकिन दिवाली निकलने के बाद तेरे लिए स्पेशल ऑफर है। इस बम्पर प्राइज को यो परोला में दे जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है तेरे लिए पागल। लेकिन मैं तो जन्मजति साधु हूँ, मैं गृहस्थ को नहीं अपना सकता। ओ जन्मजति, रुक जा राम रहीम। तेरे जैसे बहुत साधु देखे जन्मजति, जो जन्मजति बताते लेकिन काम जन्मजति वाले नहीं होते। हेलो हेलो, ए लाली चक्कर मत है, साढ़े के 5 बालक हैं कि जन्म जति देख लो। हाँ। ले, तेरा गुरु ही तेरी पोल खोल रहा है फिर चेला। अब मैं रोल पे हूँ, अब मैं बच्चों को उनको जो नहीं गिनवा सकता। तुझे पेल दूंगी पे, या तो मान जा मेरी बात। पेल ना, आप मुझे तेल दे दो तो ठीक है। तेल का क्या करेगा? अपना जा चढ़ाएंगे शनिदेव महाराज पे। तुझे भिक्षा में मेरे जैसी बहू मिल जाए तो? बहू नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर? क्योंकि गृहस्थ को नहीं अपना सकता। वाइफ ले ले। वाइफ से तो बहुत की लाइफ खराब हो जाती है, तेरी तो सुधर जाएगी। लेकिन मैं आपको नहीं अपना सकता। क्यों? क्योंकि आप कोई अच्छा सा राजकुमार देख करके उसके साथ में अपना ब्याह करवाइए। मेरे लिए तो आप ही राजकुमार हो। मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ, मैं तो भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ। गुरु का आदेश हो गया था कि आज मुझे ही भिक्षा लेकर के जानी है, और मैंने सुना कि आप कत्ल भी करती हो। हाँ, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो कत्ल कर दूंगी तुम्हारा। आपका अगर काम कत्ल करने का तो आप कत्ल कर सकती हो। लेकिन मैं अनमोल चीजों को काटती नहीं हूँ। अनमोल जैसे कि? आप राजकुमारी जी, इन बातों से मुझे लग रहा है कि आपके अंदर पागलपन छा गया है। पागल? हाँ। नहीं, मैं जो भी बात कर रही हूँ ना, गृहस्थी की बातें कर रही हूँ, और गृहस्थी की बातें सभी को करनी चाहिए। गृहस्थी बिना कुछ नहीं है जीवन। लेकिन अपनी जोड़ का अपना ऐसा ही राजकुमार देख लो जैसे आप राजकुमारी हो। मेरी जोड़ के तुम हो वो बात नहीं है, थोड़े से छोटे हो पर चलोगे। छोटा तो नहीं हूँ, कद तो मेरा बड़ा है, बिल्कुल आपके बराबर है। पर तकड़ी तो मैं ही हूँ तुमसे। तकड़ी तो आप ऐसे हो रही हो, आप राज महल में रह रही हो और अच्छा सौदा खा रही हो। तब तुझे भी खवाऊंगी, 5-7 तरह का आटा खा रही हो, तुझे भी तगड़ा कर दूंगी। हम अपना भभूत लगा करके ही अपना जो सही पेट भर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए। अच्छा एक बात बताओ। हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? ब्याह का प्रस्ताव पहले, नाम बाद में पूछ रही है। अरे नाम से क्या लेना मुझे, मेरी बात सुनिए। पर फिर भी बता दीजिए। तेरी बेमतलब की बात, नाथ का तू नाम पूछ के क्या लेगी? अच्छा, सुंदरादेश साधु का घर गांव पूछ के क्या लेगी? हाँ। क्यों? क्योंकि भक्ति भाव भजन सेवा से न्यारा राम नहीं होता। उस परमेश्वर के सिवा जगत में और कोई नाम नहीं होता।
उस देश का रहने वाला हूँ जहाँ सुबह और शाम नहीं होता। अच्छा। हम रमते राम फकीर जगत में हमारा कोई घर गाम नहीं होता। ओहो। ये परिचय है हमारा, ये परिचय है। हाँ। लेकिन मुझे मंजूर है। हेलो। मुझे पागल जैसी ओ पागल जैसी लगती, पागल जैसी बात भी आप कर भी रही हो, लेकिन मेरी बात सुनो जरा गौर से। क्या हो, कैसे बिना लुगाई कट जावेगी साधु उम्र जवान तेरी, कैसे बिना लुगाई कट जावेगी ओ साधु उम्र जवान तेरी। पागल जैसी हाँ। बात लगे मुझे पागल जैसी बात लगे ओ सुंदरा दे नादान तेरी, विश्वास करूं ना गहरे गहरे जल में, साधु का विश्वास करूं ना गहरे गहरे जल में। सौ कोस वीर से दूर रहूं, सौ कोस वीर से दूर रहूं, तू समझी नहीं असल में। करके तपस्या उद्यालक मुनि भल्या वीर के गल में, करके तपस्या उद्यालक पे हैं क्या सभी एक से धरती पे हैं, क्या सभी एक से धरती पे हैं, नजरों में इंसान तेरी कैसे बिना लुगाई कट जावे। से दोनों कलाकारों का सम्मान बढ़ा रहे, आदरणीय ओम प्रकाश जी उन्होंने भी 200 रुपए से सम्मान बढ़ाया, और भी बहुत पुरस्कार सम्मान हमारे भाइयों की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से उनका प्यार आशीर्वाद मिला, सभी का हम बार बार धन्यवाद करते हैं। मेरे ऊपर आपकी बातों का असर होने वाला नहीं है, नहीं तुम्हारी बातों का भी मेरे ऊपर असर होने वाला नहीं है, तो दोनों एक से। हाँ। लेकिन मैं अपनी बातें बनाकर रहूंगी। अच्छा। हाँ। बनाएगी बात को, बिल्कुल मान जाओ मेरे ऊपर, या तो राजी से नहीं तो गैर राजी से। ना राजी से बात चलेगी ना गैर राजी, इंसान को जाथर देख के बात करनी चाहिए। तुझे तो हाथ में उठा लूंगी मैं, हाथ में उठा लो चाहे। हाँ कत्ल कर दो, मैं आपकी बात मानने वाला नहीं हूँ। क्यों नहीं मानोगे, सुने मेरी बात को कहिए। लेकिन मैं ऐसे जन्म जतियों के नाम बता दूंगी जिनको बिना बहू के नहीं सरा। मैंने अभी कहा था कि क्या सभी एक से धरती पे हैं नजरों में इंसान तेरी, अभी तो अटकल लगे और अटकाऊंगी रुक। अच्छा और काम जीत के, काम जीत के नारद ने भी चाहया ब्याह करवाना, काम जीत के नारद ने भी चाहया ब्याह करवाना। कोई मतलब नहीं गृहस्थी से, कोई मतलब नहीं गृहस्थी से, बस राम नाम गुण गाना। तेरे जैसे एक और संत थे,
कौन कौन? विश्वामित्र चमन ऋषि को, विश्वामित्र चमन ऋषि को पड़ा ग्रस्त में जाना। विश्वामित्र चमन ऋषि को पड़ा ग्रस्त में जाना। साधु के संग शादी करती, साधु के संग शादी करती, साधु के संग शादी करती, होरी कर रही हो आप? हाँ बरवारी हूँ। मेरा हाथ छोड़िए आप, ये नहीं छूटेगा। नहीं, लड़का लड़की का हाथ थामता है यहाँ पे, लड़की लड़का का हाथ जो है, हाथ बाबा जी का। खरबूजे या छुरे पे गिरे या छुरा खरबूजे पे गिरे, बात तो एक ही है। लेकिन आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए। नहीं छूटेगा, क्योंकि आप मुझे छूने की छेड़ने की कोशिश ना करें, मेरा जोग अधूरा रह जाएगा। मेरे जोग को भंग करने की कोशिश ना करें। अगर सच्चे जन्म जती हो तो चाहे मैं कुछ भी करूं, पर तुम पे फर्क नहीं होना चाहिए। तू तलवार मार दे, कोई दिक्कत नहीं, फिर मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसे छेड़खानी ना सहूं, क्यों सहन कर पाऊं? ये तलवार से भी ज्यादा भयंकर है। हाँ, लेकिन तुम्हें, तुमने ये जो साधु वाले वस्त्र पहन रखे हैं जी, इनको उतारो। यही? और कहा उतारोगे? अगर कोई वस्त्र है तो ला करके दे दो, हम डेरे पे चेंज कर लेंगे। मैं तुम्हारे लिए दूसरे वस्त्र लेके आ रही हूँ। ये साधु वाले वस्त्र अच्छे नहीं लगते, राजा वाली शाही पोशाक पहनो। मैं नहीं पहन सकता वो पोशाक, तो मैं जबरदस्ती पहना दूंगी। अच्छा? हाँ, जबरदस्ती नहीं चलने दूंगा। कहिए। जन्मजती कभी कभी जो अपना धोने पर लगा देते हैं, ऐसा हिसाब किताब। कुछ तो वैसे ही कमजोर हो, कूद कूद के और कमजोर हो जाओगे। कमजोरी हमारी पहचान है। ओहो, पहचान तेरी? हाँ, केवल शरीर ही कमजोर दिखाई दे रहा है। आपने योग गुरु को देखा नहीं है? देखा है, योग गुरु रामदेव जी को देख लो आप। अच्छा, तो वो तो अकेला है, तेरी तो शादी होने वाली है। बॉडी से ट्रक बने पड़े रहे, उससे क्या फायदा? अच्छा, फिटनेस पर ध्यान रखिए। और रुक जा साइकिल, सुन मेरी बात को। मेरे साथ शादी कर ले चल, तार
डन सिंह के भजनों की मेरे चोट पुरानी लगी हुई।